नमस्कार, विव दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से, आम बजट 29 फरवरी को पेश होगा। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा तथा 25 फरवरी को रेल बजट और 29 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 23 फरवरी को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु 25 फरवरी को रेल बजट और वित्त मंत्री अरुण जेटली 29 फरवरी को आम बजट पेश करेंगे। बजट सत्र का पहला चरण 23 फरवरी से 16 मार्च तक चलेगा और दूसरा चरण 25 अप्रैल से 13 मई तक होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया, राहुल सुप्रीम कोर्ट की शरण में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 7 दिसंबर के फैसले को गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत द्वारा जारी समन निरस्त करने से इनकार कर दिया था। सोनिया और राहुल के साथ ही सुमन दुबे और सैम पित्रोदा ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। गौरतलब है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पिछले साल 19 दिसंबर को पटियाला हाउस अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने इन सभी को जमानत देते हुए टिप्पणी की थी कि उन सभी की राजनीति में गहरी पैठ है और उनके भागने की संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एमसीडी हड़ताल में हस्तक्षेप से इनकार। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल में हस्तक्षेप करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश टीएफ ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी क्योंकि संबंधित मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय कर रहा है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम कर्मचारियों के बीच विवाद के हल के लिए कोई प्रभावकारी आदेश नहीं दिया है। आतंकवादी हाफिज सईद की धमकी, पठानकोट जैसे हमले और होंगे। जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने एक बार फिर जहर उगलते हुए भारत को पठानकोट सरीखे और हमलों की धमकी दी है। पीओके में एक रैली को संबोधित करते हुए सईद ने कहा कि भारत को पठानकोट जैसे दर्द अभी और मिलते रहेंगे। रैली के दौरान भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कश्मीर की आजादी का राग अलापते हुए सईद ने कहा कि कश्मीर में जो चल रहा है उसे सुलझाया नहीं गया तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। हाफिज 2008 में हुए मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड है और उस पर अमेरिका ने $1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। इस्लामिक स्टेट के हमले में रूसी सैन्य सलाहकार की मौत। सीरिया में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के मोर्टार हमले में एक रूसी सैन्य सलाहकार की मौत हो गई। रूसी मीडिया ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह खबर दी है। रिया नोवोस्ती संवाद समिति ने बताया कि आईएएफ ने सीरियाई सेना परिसर में सैन्य चौकी को निशाना बनाकर एक मोर्टार दागा जिसमें एक रूसी अधिकारी की मौत हो गई। शहीद होने के बाद उसे सम्मानित किया गया है लेकिन उसकी पहचान गुप्त रखी गई है। इसकी भी पुष्टि नहीं हो सकी कि कहां हमला हुआ था। आईएस के खिलाफ सीरिया में रूस की कार्रवाई शुरू होने के बाद से यह तीसरा रूसी अधिकारी है जिसकी वहां मौत हुई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।